ये यहाँ? हेलो जी, हमारी बात मानकर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं अगर सिलेक्ट कर दूँ तो तू सिलेक्ट है, नहीं तो तू रिजेक्ट है। हम तो पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। मेरे को एक बात बता, सिलाई मेहंदी ब्यूटी का कोर्स करना था ना, ये एमएलए का कोर्स क्यों किया? एक्चुअली आई वॉज स्टडिंग इन यूएस आंटी, सडनली डैड एक्सपायर्ड, सो अनएक्सपेक्टेडली आई बिकेम एमएलए आंटी। हाय हाय, इसका सांबार घटियार तेरी इंग्लिश बकवास। रिश्वत विश्वत नहीं लेती है क्या? नहीं लेती आंटी। बाल असली है कि विग लगाई है? दादी हंसिका के बालों में डाई लगा के रहेगी। असली है। चाइनीज बना लेती है? चाय उबाल लेती हूँ। बस चाय उबालना, मुझे मत उबालना। ये रिश्ता होने से पहले ही तोड़ देंगी। हमेशा साड़ी पहनती है कि कभी टू पीस भी ट्राई किया है? मुझे साड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है आंटी। सब कुछ ठीक है, तू एमएलए है ना, इतना छुई में रहेगी तो कैसे चलेगा? आंटी अर्जेंट फोन है, प्लीज। ठीक है, जा बात कर, लेकिन मेरा मूड खराब होने से पहले रख देना। खड़ूस दादी। क्या बोला रे? ये आप क्या कर रही हैं दादी माँ? अगर आप इतना डराओगी तो वो शादी से मना कर देगी। ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है बहू। हड्डियाँ तोड़ दूंगी तेरी साले। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बियर बार खोलेगा साले? ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो तेरे पंखों को कुतर डालूंगी। उड़ना तो दूर, फड़फड़ा भी नहीं पाएगा। जिंदगी से मन भर गया है? अंडरवर्ल्ड की हुल देता है? अंडरवर्ल्ड को अपनी जींस की बैक पॉकेट में रखती हूँ। बुला ले अपने उस डॉन को। अगर एक घंटे में तेरी दुकान बंद नहीं हुई तो गधे पर बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और थर्ड डिग्री टॉर्चर करवाऊंगी। छतरी को फोन दे। अरे मोटा छतरी, अपुन की यहाँ छोटी सी इंक्वायरी चल रही है। सवालों के जवाब दे दे के अपुन का दिमाग ना गर्म हो गया है। पहले इससे निपटती हूँ फिर तुझसे। चल फोन रख बे। दादी जी, कुछ और सवाल पूछने हैं आपको? और क्या पूछूंगी बहू, तू सिलेक्ट हो गई, मुझे पसंद है तू। आ गई ना लाइन पे। इससे तो बच के रहना पड़ेगा, इससे तो अच्छी वो सांबर है। सांबर का जवाब नहीं। अंकल। क्या हुआ बेटी? आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। आओ ना। बात ये है अंकल कि जब मेरे पापा सीएम बनने वाले थे तो उनकी अचानक मौत हो गई। सोसाइटी में सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, उतनी ही इज्जत मेरी भी करते हैं। एमएलए एक पब्लिक सर्वेंट है अंकल। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों का दिल अपने काम की वजह से जीतूं, ना कि किसी डर की वजह से। लेकिन गणेश से शादी होने के बाद लोग मेरी इज्जत उसके खौफ की वजह से करेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ अंकल। मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरे साथ कुलदेवी के मंदिर आए और ये वादा करे कि वो कभी मारपीट नहीं करेगा। शादी के बंधन को अटूट बनाने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। क्या वो मेरी बात मानेगा? ये चाहती है कि मैं इसके पीछे खड़ा रहूं। अरे बाप रे, नहीं नहीं, आइडिया ड्रॉप, कुछ नहीं होगा। इसकी शर्त सुनी आपने? ये दूल्हा कम असिस्टेंट ज्यादा चाहती है। सब ऐसी होती है। तो अरे रे रे रे, ये तो क्या कह रहा है? वो लड़की बिल्कुल सही कह रही है। लड़ाई झगड़े में रखा ही क्या है? जल्दी से शादी कर लो, दो तीन बच्चे पैदा कर लो, ये दादा बनेंगे, मैं दादी, बड़ा मजा आएगा। बच्चे भी होंगे। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं होगा, मैं नहीं करने वाला, मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे नहीं नहीं, चाचा। हाँ करना। ये सब क्या है, इतने सारे अपाहिज? हाँ बात तो सही करा पंडित जी, बोलिए। इतने सारे फिजिकली चैलेंज लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान से पहले प्रॉमिस करोगे फिर तोड़ोगे तो अंग तो भंग हो गए ना। अब चलो। प्रतिज्ञा लेने का समय हो गया है, ऊपर आइए। वाह पंडित जी, हलाल होने वाले बकरे को पहचान लिया।
एक्सपीरियंस है पूरे 25 साल का। मैं भी कोई आज पैदा नहीं हुआ हूँ। मुर्गी कब अंडा देगी, कहाँ देगी, सब पता है। उसको उबाला जाएगा या तला जाएगा या फिर ऑमलेट बनेगा, सब जानता हूँ। आप आइए, आइए आइए, चलो ना, आओ, चलो, आजा बेटा, आइए आइए, आजा आजा, आप शर्मा मत, नहीं तो पंडित भाग जाएगा। क्या कर रहा है, आ गया? आगे जाओ बेटा। अब मेरी बात कॉपी पेस्ट कीजिए। बोलिए। टुडे एंड फ्रॉम नाउ, आज और अभी से, इन एवरी कंडीशन, गर्म है, किसी भी परिस्थिति में, माय वाइफ, आई कुड फॉलो माय वुड बी, अपनी पत्नी, अपनी होने वाली पत्नी की हर बात मानूंगा। आई विल नेवर डिशुम डिशुम। आज के बाद कभी झगड़ा, कैसे और इसे क्यों मार रहे हैं? के बाद आज हाथ लगी है, कौन बचाएगा तुझे? मरने को तैयार हो जा। लोग देवी को जानवरों की बलि देते हैं, मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। ए नगाड़े बजाओ, सारे शहर को पता लगना चाहिए कि मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। जाओ फिर। हाथ छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़। गणेश सुनो, नहीं कुछ समझ गया। अपने डर पर काबू रखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? देखो मेरी आंखों में, देखो देखो मेरी तरफ, देखो, देखती रहो।
तेरे बाप का माल है ना, आजा, हाथ लगा, हाथ लगा ना साले। धनुष से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देगा वो। बॉर्डर पर दुश्मन का नाम सुनकर उतना खून नहीं खोलता जितने तेरे धनुष के नाम से खोलता है। तुम उसके भाड़े के टट्टू हो, पर मैं जंगल का वो शेर हूं कि जिसने जंगल में पैर रखा तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जानू मेरी है, ये बात भेजे में उतार ले, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इसे हाथ तो लगाकर दिखा, फिर चाहे तू हो या तेरा वो धनुष, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारूंगा। मैं तो ना लड़ने की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूं, अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच ये जंग का ऐलान है। एनी टाइम, एनीवेयर, एनीबॉडी, आई एम रेडी।